आज यहाँ पर एक बहुत बड़ी तादाद मुसलमानों की जमा हुई है। हम सब जानते हैं कि इस वक्त में हिंदुस्तान के अंदर एक पार्टी बीजेपी है, जिसके दो लीडर, उनका नाम भी लेना हमारे लिए मुनासिब नहीं है, दो लीडरों ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की है, और जिसकी वजह से पूरे मुसलमानों के अंदर, पूरी दुनिया के मुसलमानों के अंदर एक शदीद गम और गुस्सा पाया जाता है। मुसलमान सब कुछ बर्दाश्त कर सकते हैं, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी हो इसको कतई तौर पर बर्दाश्त नहीं कर सकते। हर एक का एक पैमाना होता है, लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ जो मोहब्बत है मुसलमानों को, उसका पैमाना नहीं हो सकता। बे इंतहा मोहब्बत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ पूरे मुसलमान करते हैं, ये ईमान का हमारे तकाजा है। और इस मुल्क की एक पार्टी के दो लीडरों ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में गुस्ताखी की है, इसकी वजह से आज मुसलमानों के अंदर शदीद गम और गुस्सा पाया जाता है। हम हुकूमत हिंद से ये मुतालबा करते हैं कि गोली चलाने से या फिर घरों के ऊपर बुलडोजर चलाने के ज़रिए से ये समझ रहे हैं कि वो मुसलमानों को दबाना चाहते हैं। याद रखिए, मुसलमानों की आवाज़ नहीं दबेगी। इस वक्त में पूरा मुल्क शदीद गम और गुस्से के अंदर है। वो ये चाहता है कि दो बीजेपी के जो लीडर हैं उन लीडरों को अरेस्ट किया जाए, इसका यही तकाजा है। हम गुजारिश करते हैं कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान के अंदर गुस्ताखी की गई है, मुसलमान इसको कतई तौर पर बर्दाश्त नहीं करेगा। मुसलमान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चाहने वाले सिर्फ ये नहीं कि मुसलमान हों, बल्कि दुनिया के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो मज़हब इस्लाम से ताल्लुक़ नहीं रखते हैं, इसके बावजूद भी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से मोहब्बत रखते हैं। उन तमाम के दिलों को तकलीफ हुई है। हम हुकूमत हिंद से मुतालबा करते हैं कि इन दोनों को सख्त से सख्त सज़ा दे, और मजहब की तौहीन पर जो कानून बनाया गया है पार्लियामेंट के अंदर, उस कानून को मज़ीद सख्त बनाया जाए और ऐसी सज़ा इन दो लीडरों को दी जाए ताकि आगे आने वाले लोग इस तरीके की गलती करने से पहले 100 मरतबा सोचे कि अगर खुदा ना खास्ता अगर हम ऐसी गलती करेंगे कहीं हमारा अंजाबी ये ना हो। इसलिए मैं हुकूमत हिंद से गुजारिश करता हूँ कि ये दो लीडरों को पहले अरेस्ट किया जाए, और जो कानून मजहब की तौहीन के बारे में बनाया गया है उसको मज़ीद सख्त से सख्त बनाया जाए। ये हमारी गुजारिश है। मुसलमानों की आवाज़ दबेगी नहीं। मुसलमान अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में अदना सी गुस्ताखी हो उसको कतई तौर पर बर्दाश्त नहीं कर सकता। तारीख हमारे सामने है, सारी हकीकत हमारे सामने है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में जब भी लोगों ने गुस्ताखी करने की कोशिश की तो मुसलमानों ने अपनी सरों पर कफन बांध कर नबी अलैहिस्सलाम की नामूस की हिफाजत की है। आज भी यहाँ पर इतना बड़ा जम्मे गफीर जमा हुआ है महज इस वजह से कि अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम की जान के अंदर गुस्ताखी हुई है। मुसलमानों के अंदर एक शदीद गम और गुस्सा पाया जाता है। हम हुकूमत के हिस्से ये कहते हैं कि हमारा गुस्सा और हमारे दिलों को राहत और सुकून उसी वक्त में पहुँचेगा जब इन दो लीडरों को अरेस्ट किया जाए, उन्हें सख्त से सख्त सजा दी जाए। यही इसका एक बेहतरीन इलाज है। आप गोली चलाएं या फिर आप घरों के ऊपर बुलडोजर चलाएं या फिर और कोई सजा आप तजवीज करें, इसका इलाज नहीं हो सकता। इसका इलाज महज सिर्फ और सिर्फ यही है कि इनको अरेस्ट किया जाए। हमारी गुजारिश। अरे तकबीर नुपुर शर्मा को अरेस्ट करो।